नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज फिर आज दोस्तों आप सभी के सामने एक नए वीडियो में। आज आपके लिए क्या दोस्तों, मैं एयरोंस इंडिया कंपनी की तरफ से एम्पलीफायर। आज के वीडियो में दोस्तों इस एम्पलीफायर का मैं आपको आउटपुट बताऊंगा, साथ में इसका प्राइस भी बताऊंगा और साउंड टेस्टिंग भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जितने दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डीजे से रिलेटेड नए। तो दोस्तों वीडियो का ज्यादा लंबा ना करते, आज मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कार की वीडियो में आपके लेके क्या आया हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयरोंस इंडिया कंपनी की तरफ से बहुत ही पावरफुल बेस के लिए दमदार एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर आउटपुट के साथ है। बात करें दोस्तों इसकी मॉडल नंबर की, तो HD9001 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशली फॉर बेस के लिए ये हाई डेफिनेशन बेस एम्पलीफायर सीरीज विद बेस इनहेंसर, यानी बहुत ही दमदार बेस इनहेंसर के साथ है। बहुत ही दमदार बेस है दोस्तों इसके अंदर। यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, चैनल ए और चैनल बी के वॉल्यूम है। और साथ में दोस्तों हमें यहाँ पे MCB इनबिल्ट स्विच देखने को मिलता है, जो कि पावर ऑन ऑफ स्विच है, बहुत ही बढ़िया। और सामने की तरफ दोस्तों एयर पास देखने को मिलता है, यहाँ से एयर वेंटिलेट होते रहेंगे। और दोनों हैंडल है बहुत ही अच्छे और सॉलिड हैंडल है दोस्तों, बहुत ही भारी एम्पलीफायर है। आ जाओ मैं आपको इसका साइड लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हॉल पास दिए हुए हैं, जिससे एम्पलीफायर हमारा ठंडा रहे और एयर वेंटिलेशन अच्छे तरीके से होता रहे। अब मैं आपको इसका बैक लुक दिखाता हूँ। तो आ जाओ दोस्तों इसके बैक लुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो फैन देखने को मिलते हैं, बड़े साइज का दो फैन है। और दोस्तों अंदर की साइड डस्ट न जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फोम देखने को मिलते हैं। दोनों इस चैनल पे फोम लगे हुए हैं फैन के पीछे, और एक ये फैन का कवर लगा हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों इनपुट की, तो यहाँ पे हमें दो इनपुट देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं इनपुट चैनल ए और चैनल बी का इनपुट, जो कि XLR और मोनो दोनों पिन से आप इसको इनपुट दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन स्विच देखने को मिलते हैं, जो कि 7 स्विच का है, 7 स्विच है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ऊपर दोस्तों में लिमिटर का स्विच देखने को मिलता है, जो कि फिलहाल ऑन है। उसके नीचे दोस्तों सेंसिटिविटी का स्विच देखने को मिलता है, जिसको आप 0.775 वोल्ट या फिर 36 dB या और आगे बढ़ाएं तो 32 dB कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों में मोड स्विच देखने को मिलता है, जिसको आप स्टेरियो पैलर और बेस मोड पे कर सकते हैं। अगर आपने दोनों चैनल पे चलाना है तो इसको स्टेरियो रखिए, एक ही इनपुट से दोनों चैनल पे आउटपुट चाहिए तो आप इसको पैलर रखिए। और अगर आप इसको ब्रिज मोड पे चलाना चाहते हैं, पूरे एम्पलीफायर का एक पावर करना चाहते हैं, तो इसको ब्रिज मोड पे आप कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों में लो कट का स्विच देखने को मिलता है, जो कि 30 Hz का है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी इनहेंसर है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों में ग्राउंड का स्विच देखने को मिलता है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों आउटपुट की, तो यहाँ पे दोस्तों हमें दो आउटपुट देखने को मिलता है, चैनल ए और चैनल बी का आउटपुट। न्यूट्रिक के दोस्तों ये एसपीकॉन सॉकेट लगे हुए हैं दोनों। और आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बनाना टर्मिनल देखने को मिलता है हमें। अगर आप इसको वायर के थ्रू आउटपुट लेना चाहते हैं, तो बनाना टर्मिनल के थ्रू चैनल ए और चैनल बी का आउटपुट आप ले सकते हैं। अगर आप इसको ब्रिज मोड पे चलाना चाहते हैं, तो इसका प्लस और इसका माइनस बना के आप ब्रिज मोड पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पावर केबल देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का बहुत ही मजबूत पावर केबल यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों साथ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये लिखा हुआ है HD001 इसका मॉडल नंबर। साथ में दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये डेट है मैन्युफैक्चरिंग डेट है दोस्तों, January 7 का और 2023 का मैन्युफैक्चरिंग बनी हुई है। टॉप में भी दोस्तों इसके कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इसका मॉडल नंबर आउटपुट वगैरह देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। तो साइड में भी दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर, डेट वगैरह और एड्रेस वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने एम्पलीफायर का पूरा बैक लुक, फ्रंट लुक और क्लोज व्यू देख लिया। अब आप जानना चाहते होंगे इस एम्पलीफायर का आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों बात करें 2 ओम पे, तो 2 ओम पे दोस्तों इसकी जो आउटपुट पावर है पर चैनल 3100+3100 है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 4 ओम पे, तो 4 ओम पे दोस्तों पर चैनल इसका 2400+2400 आउटपुट पावर है। 8 ओम पे अगर दोस्तों बात करें इसकी आउटपुट की, तो पर चैनल 1500+1500 इसकी 8 ओम पे आउटपुट है। वहीं दोस्तों बात करें अगर ब्रिज मोड पे, तो 4 ओम पे दोस्तों इसकी ब्रिज मोड पावर 6200 वाट है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 8 ओम पे ब्रिज मोड पावर की, तो 4800 वाट दोस्तों ये ब्रिज मोड पे आउटपुट देता है। चलो दोस्तों अब इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। और आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। एम्पलीफायर ऑन हो चुका है हमारा, फिलहाल दोनों वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद है, पावर की लाइट जल गई है ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारा लाइट दिख रहा है दोस्तों, छोटे छोटे बल्ब है LED। I'm gonna go to the hospital.
तो दोस्तों चैनल ए की आउटपुट आपने देख ली, अब आप चैनल बी की आउटपुट देखते हैं। तो वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको इसकी साउंड टेस्टिंग भी कराई, मात्र 2 पॉइंट वॉल्यूम ने खोला था, बहुत ही दमदार पावरफुल पंच आ रहा था, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया था और काफी कम वॉल्यूम खोलने पे काफी तेज हमारे स्पीकर बज रहे थे। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो मात्र 64,000 का यानी 64,000 रुपए का दोस्तों एम्पलीफायर का प्राइस है। अगर आप हमसे मंगाना चाहते तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमसे भी मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल सेंड करके आप इसे हमें घर बैठे मंगा सकते हैं और हमारे पास से भी आपको बेस्ट प्राइस में आपको एम्पलीफायर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और नए वीडियो में कुछ और नए आइटम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, डीजे से रिलेटेड नए नए आइटम देखने को मिले, एम्पलीफायर वगैरह या जो भी प्रोडक्ट होता है डीजे से, सारे मैं आपके लिए लेके आता हूँ और उनके प्राइस भी बताता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।